तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम है सर्वनाम। तो आज हम व्याकरण में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी मैं नाम की जगह प्रयोग किया जाता हूँ। सर्व यानी सभी, मैं नामों के बदले आता हूँ। यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं जो इस प्रकार से है। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि इस वाक्य में बार बार मोहित यानी कि संज्ञा का नाम आया है, इसलिए यह वाक्य देखने और पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। इसी वाक्य में हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार से है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। इस वाक्य में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो यह वाक्य देखने पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। भाषा को सरल और सुमधुर बनाने के लिए हमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा शब्दों का आना भाषा को अटपटा बनाता है। अभी एक और उदाहरण हम देखते हैं जो इस प्रकार से है। आर्यन एक विद्यार्थी है। आर्यन रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। यहाँ पे देखिए बच्चों, आर्यन आर्यन के बारे में बताया है और दूसरे वाक्य में हम देखते हैं आर्यन एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे हमने आर्यन एक संज्ञा का प्रयोग किया है और दूसरे वाक्य में देखिए आर्यन रोज स्कूल जाता है, तो आर्यन की जगह हमने क्या किया है, वह रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है, तो यहाँ पे आर्यन की जगह हमने क्या उपयोग किया है, उसके। सर्वनाम शब्द वे हैं जिन्हें हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं, पर बार बार नाम न बोलना पड़े इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, हम, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वह, मैं, तुम, यह, वे, हम, उसने आदि। अभी हम एक छोटा सा अनुच्छेद देखते हैं जो इस प्रकार से है। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आते हैं। हम भी उनके घर पर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इस अनुच्छेद में यह क्या आया है, सर्वनाम। मेरा क्या आया है, सर्वनाम। उसके क्या आया है, सर्वनाम। उसकी क्या आया है, सर्वनाम। मेरी क्या है, सर्वनाम। वे क्या है, सर्वनाम। उनका क्या है, सर्वनाम। हमारे क्या है, सर्वनाम। हम क्या है, सर्वनाम। उनके क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यह, मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके, इनमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अभी एक और उदाहरण हम देखते हैं जो इस प्रकार से है। अरे पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। क्या तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे हिंदी का गृह कार्य करना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये वाक्य में बच्चों देखिए, यहाँ पे तुम का प्रयोग किया गया है, मुझे, मैं और तुम। इन वाक्यों में पूजा और उसकी सहेली बार बार अपना नाम नहीं ले रही, बल्कि यहाँ पर अपने नाम की जगह तुम, मुझे, मैं शब्द बोल रही है। यही शब्द सर्वनाम है। इससे वाक्य का भाव सरलता से स्पष्ट हो जाता है और भाषा भी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, संज्ञा की तरह
सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में की परिभाषा क्या है? जहां पर किसी एक चीज या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन में आया है मैं, यह, उसे, तू, वह, मेरा। बहुवचन में हम, ये, उन्हें, तुम, वे, हमारा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, एक उदाहरण मैं दिखाती हूँ। अपने लिए, हम अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए मैं, मेरा, हम का प्रयोग करते हैं। जिससे बात की जाए उसके लिए तुम या आपका प्रयोग किया जाता है, और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ अन्य सर्वनाम शब्द है जो इस प्रकार से है, मैं, मेरा, हम, आप, तुम, हमारा, आपके, तुम्हारा, अपना, उनका, तुम्हें, ये, उन्हें, वह, किन्हें, इनका आदि। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम यहाँ पे अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे हमें पहचानना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है और उस पर सही का निशान लगाना है। राम, करना, वह, तो यहाँ पे क्या आएगा? वह। उसे, नीता, आगरा, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसे। सुन, यह, सुंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा? यह। तुम, खेलना, ठंडी, तो यहाँ पे क्या आएगा? तुम। कुत्ता, इन्हें, श्याम, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्हें। एक और अभ्यास कार्य करते हैं जो इस प्रकार से है। नीचे दिए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, वाक्य में से हमें सर्वनाम शब्द छांटने हैं। स्नेहा अपने भाई के साथ स्कूल गई, तो बच्चों यहाँ पे देखिए अपने क्या आया है? सर्वनाम। तुम भी खेलने चलोगे? तुम क्या आया है यहाँ पे? सर्वनाम। आप मुझे पढ़ा दीजिए, तो आप क्या आया है यहाँ पे? सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई क्या आया है यहाँ पे? सर्वनाम। वह कल पिकनिक पर जाएगा, तो वह क्या है? सर्वनाम। मेरी अध्यापिका आ रही है, तो मेरी क्या है यहाँ पे? सर्वनाम। इस वर्ग पहली में 6 सर्वनाम छिपे हैं, इन्हें ढूंढकर लिखिए। एक वर्ग पहली दी है, इसमें से हमें 6 सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखना है। तो पहला दिया है वह, तुम, आपका, उसने, अपना, हमारा। तो इस तरह से हमने वर्ग पहली में से 6 सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखे। तो चलो बच्चों, अभी हमने जो सीखा उसी का रिवीजन करते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ। संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका प्रयोग कर सकते हैं संज्ञा के स्थान पे हम? सर्वनाम। किसका? सर्वनाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह से है, मैं शब्द एक वचन है या बहुवचन? यहाँ पे आप देखिए, मैं शब्द जो है एक वचन में आता है या बहुवचन में? मैं यानी कि हम अपने लिए, स्वयं के लिए उपयोग में लाते हैं, इसलिए यह क्या है? एक वचन। इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उससे हमें सर्वनाम शब्दों से फ्रेम सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे दिया है मेरा, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम गीता है, तो आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम गीता है। दूसरा दिया इधर, यह जगह है, जगह यानी स्थान, यह जगह अच्छी है,
अभी तीसरा दिया है तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? रहे हो? तो चलिए बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा एक बार उन्हें पुनः दोहरा लेते हैं। संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल व सुंदर बनती है। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। मैं, आप, तुम, कौन, किसका, यह आदि सब सर्वनाम हैं।